बरासी मेरे साथ समस्त यहां उपस्थित मंत्रीगण, मेरे क्षेत्र के सभी सम्मानित जनता के प्रतिनिधिगण, जिन्होंने भगवान के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है हमारे मतदाताओं का आशीर्वाद प्राप्त किया है, मंच पर आसीन हमारे तीनों जिलों के हमारे जिलाध्यक्षगण, पूर्व जिलाध्यक्षगण, पूर्व विधायक से हमारे समस्त विधायकगण, हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के समस्त अध्यक्ष, और मंच पर आसीन कांग्रेस के हमारे समस्त कार्यकर्तागण, और मेरे लिए यह अतिशयोक्ति नहीं होती जब मैं कहता हूं कि मेरी आन बान और शान और मेरी जीवन की मकसद, मेरी गुना शिवपुरी अशोकनगर की समस्त मेरी प्यारी जनता नहीं, मेरे परिवार के सदस्यगण जो यहां मौजूद है, और मैं भी जीवन के उस पर्व पे हूं जहां मन में जहां दिल में एक उम्र के बाद एक बदलाव भी आता है। मेरे पूज्य पिताजी मुझे कहते थे जब मैं बहुत छोटा था कि ये याद रखना तुम, और मेरे पिताजी के सामने मेरी बोलती बंद हो जाती। वो मुझे कहते थे कि तुम याद रखना, ये ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, अशोकनगर, भिंड, मुरैना, दतिया, मंदसौर, नीमच, उज्जैन, शाजापुर, इस क्षेत्र की जनता ने सिंधिया परिवार को सदैव असीम प्यार और स्नेह दिया है, और ये कभी मत भूलना कि तुम्हारी जिंदगी उनके लिए सदैव ऋणी रहनी चाहिए। एक बालक हो, और इसलिए ये शब्द समझ में नहीं आते क्योंकि ये शब्द नहीं है, किसी को सुनाओगे तो इन कानों को वो शब्द सुनाई देते हैं, लेकिन ये शब्द नहीं है मेरे भाई और बहनों, ये एक व्यक्ति की अंतर आत्मा की आवाज थी। और जब तक वो भावना उस व्यक्ति के दिल में ना हो, वो शब्द शब्द ही रह जाते हैं। आज 17 साल हो गए, और मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूं, मैं वृद्ध वर्ग में अभी मैंने हाजिरी नहीं दी, लेकिन मैं उस चौखट पर ही खड़ा हूं। लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए
राजनीति महत्वपूर्ण नहीं। इस ज्योतिरादित्य संध्या के लिए कुर्सी या पद महत्वपूर्ण नहीं। इस ज्योतिरादित्य संध्या के लिए लाल बत्ती की लाइट महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन इस ज्योतिरादित्य संध्या के लिए आपका प्यार, आपका आशीर्वाद और आपके दिल में स्थान महत्वपूर्ण है। और 17 साल मैंने जो मेहनत की है, 17 साल मैंने जो परिश्रम किया है, आज सत्य के उस अग्नि परीक्षा के सामने बैठकर मैं कह सकता हूं, वो मेहनत, वो मशक्कत मैंने आपके सांसद के रूप में केवल नहीं किया, लेकिन मैंने किया है, क्योंकि मैं मानता हूं ये पूरा संभाग, ये पूरा क्षेत्र, ये पूरा मध्य प्रदेश मेरा परिवार है। मैंने मेहनत की है, मैंने लड़ाई लड़ी है, और ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं, जो मेहनत मैंने की है, जो लड़ाई मैंने लड़ी है, मेरे पसीने की जरूरत क्या जब आपको सिंधिया परिवार के मुखिया का खून की जरूरत होगी, वो भी हासिल है आपके लिए। हाजिर है मेरा एक लगाव आपके साथ, एक भावनात्मक लगाव है। मेरे पूर्व वक्ताओं ने बहुत कुछ कहा, विकास के बाद बहुत कुछ कहा, प्रगति के बारे में, लेकिन ये विकास, ये प्रगति किसी नेता की देन आपके लिए नहीं है। ये विकास, ये प्रगति मेरा दायित्व आपके लिए नहीं है। ये विकास, ये प्रगति ज्योतिरादित्य सिंधिया का धर्म बनता है आपके प्रति। और जो आपका अपार प्रेम है, जो आपका अपार स्नेह है, जब इस शक्ति का समावेश होता है, जब इस प्रेम और बंधस्थ का समावेश होता है, और आज अगर मेरी आवाज ज्वालामुखी की तरह है, तो वो तड़प इसलिए है क्योंकि वो तड़प मेरे मध्य प्रदेश के एक एक किसान के लिए, एक एक नौजवान के लिए, एक एक महिला के लिए, एक एक इंसान के लिए जो ज्योतिरादित्य संध्या की तरफ है। और ये चुनौती, ये चुनौती मैं उन सारे मुखौटे वालों को देना चाहता हूं, उन सारे झूठे वादे वालों को देना चाहता हूं, उन सब जुमलेबाज को देना चाहता हूं, कि ये याद रखना, ये आवाज कभी भी डरेगी नहीं और कभी भी झुकेगी नहीं। ये गांधी जी का देश है, ये मेरे बापू की माटी है, जिस बापू ने आपको सिखाया, जिस बापू ने मुझे सिखाया, जिस बापू ने इस देश में सदैव की आने वाली पीढ़ियों को सिखाएंगे कि डरो मत, सत्य की लड़ाई लड़ना, क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन सत्य कभी भी पराजित नहीं हो सकता। मेरे
शिवपुरी में, गुजरात के एक बड़े नेता आए थे, सभा लेने आए थे यहां, और उनका स्वागत था क्योंकि शिवपुरी मेरी है, शिवपुरी आपकी है, लेकिन इस शिवपुरी में सदैव अतिथियों का स्वागत होता है। उनका स्वागत होता है, और वो यहां आए थे और कहा था शिवपुरी की जनता को कि भाजपा को यहां जिता देना, मैं आऊंगा पानी पिलाने के लिए। 5 साल हो गए प्रधान सेवक जी, 5 साल में आज तक शिवपुरी की जनता को पानी नहीं मिली थी। जब तक मैंने संकल्प किया था कि कांग्रेस की सरकार लाओगे, पानी 6 महीने के अंदर मैं शिवपुरी की जनता को पिला के रखूंगा। 2008 में जो योजना मैंने स्वीकृत करवाई, 11 साल मामा जी शिवराज सिंह जी ने टंगा के रखी थी, 11 साल 25 दिसंबर को इस मंत्रिमंडल ने शपथ लिया था, मैंने 6 महीने मांगा था, 4 महीने के अंदर कल रात को सारे ओवरहेड टैंक में पानी आ चुका है, बाकी टंकियों में आ जाएगा, कल से टैंकर का वितरण होगा, शिवपुरी की जनता की प्यास पूर्ण रूप से ज्योतिर आदित्य सिंधिया बुझाएगा। संजय जी, कागज के टुकड़े पर मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति नहीं मिला, मोदी जी आइए मेरे शिवपुरी में और मैं आपको दिखाऊंगा कि कागज के टुकड़े में स्वीकृति लेकर कैसा मेडिकल कॉलेज खड़ा किया जाता है। चाहे एनटीपीसी की इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, शिवपुरी की पेयजल योजना हो, चंदेरी के बुनकरों के लिए एशिया के सबसे बड़ा 240 लूम का हैंडलूम पार्क हो, गुना के लिए पेयजल की योजना हो, 70 करोड़ का बाईपास हो, ग्वालियर से शिवपुरी होते हुए देवास, गुना होते हुए 425 किलोमीटर का 6 लेन का हाईवे हो, 3,900 करोड़ रुपए का, आपने जो मुझसे मांगा वो आपके सैनिक ने किया, और आपने जो मुझसे नहीं मांगा, एक एक गांव में डीपी, एक एक गांव में तार, सिंचाई की योजना, तालाब, एक एक गांव में किसान के लिए हर संभव प्रयास और प्रगति, जो आपने मांगा किया, जो आपने नहीं मांगा वो भी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने करके आपको दिलवाया। तो मोदी जी, मैं आपको इस बार शिवपुरी में बुलाता हूं, आइए शिवपुरी में, और शिवपुरी में देखिए एक तरफ कामदार है और दूसरे तरफ मोदी जी आप नामदार हैं। आज ये शिवपुरी की भूमि, ये गुना की भूमि, ये अशोकनगर की भूमि ने जो प्यार बर्दाश्त और आशीर्वाद प्रदान किया है, जो मोदी जी मेरी जनता के आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करते हैं, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया विकास और प्रगति करके साफ करा के वापस दिलवा देता है। तो आज इतना ही मैं आपको अपमान करना चाहता हूं कि ये मत समझना
कि ये चुनाव बना का है, ये चुनाव शिवपुरी का है, ये चुनाव अशोकनगर का है। आज राहुल गांधी जी, आज एक एक नेता कांग्रेस का देश के एक एक कोने में जा रहा है, क्योंकि ये चुनाव देश का जो हाल है, जहां असहिष्णुता का माहौल है, जहां किसानों पर पेच कसा जा रहा है मोदी जी के द्वारा, जहां नौजवान को बेरोजगार किया जा रहा है, आज उस माहौल को परिवर्तित करना होगा। और इस देश में प्रजातंत्र जो सबसे बड़ी भगवान की देन है, उसे वापस स्थापित करके भाजपा की बोरी बिस्तर बांध के केवल गुना से नहीं पूरे मध्य प्रदेश से रवाना करना होगा मेरे भाइयों और बहनों।